मार्केटिंग में करोड़ों खर्चा करने के बाद भी आज कुछ स्टार्टअप्स लॉस में चल रहे हैं और वही बिना मार्केटिंग किए जीरोधा 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। एज पर रिपोर्ट्स, बायजूस को 4500 करोड़, ओयो को 2140 करोड़ और जोमैटो को 1200 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है, जिसका मेन रीजन है कैश बर्न। एक स्टार्टअप में एक्सेसिव कैश बर्न तभी की जाती है जब फाउंडर्स को स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ानी होती है, फिर उनके प्रोडक्ट्स चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो वो मार्केटिंग में बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स और रेवेन्यू बढ़ता है और वैल्यूएशन पंप होता है, नतीजा इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है। लेकिन इसका एकदम उल्टा जीरोधा ने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के रेवेन्यू पर 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है। और जहां बाकी स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स के फंडिंग पर चलते हैं, वहां जीरोधा ने आज तक कभी फंडिंग नहीं ली, क्योंकि जीरोधा ने हमेशा मार्केटिंग से ज्यादा फोकस अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर किया है। उन्होंने काइट, कॉइन और वर्सिटी जैसे 12 प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स बनाए, और आपने नोटिस किया होगा कि इनकी एड्स भी ज्यादा नहीं दिखती, क्योंकि ये एड्स बनाते ही नहीं है।